हरियाणा में कोविड-19 से जंग लड़ने में प्रदेश सरकार ने संसाधन बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। प्रदेश सरकार जहां मिनी बस एम्बुलेंस सेवा शुरू कर चुकी है, वहीं अब रोडवेज की बड़ी बसों को चलते फिरते अस्पताल और एम्बुलेंस में तब्दील किया जाएगा। ये मोबाइल अस्पताल नुमा बसें प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के आसपास तैनात रहेंगी, जहाँ से उन्हें जरूरत वाले स्थान पर मरीजों के इलाज के लिए रवाना किया जा सकेगा। वैसे 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस का रूप दिया गया है। सीएम मनोहर लाल की अपनी कैबिनेट के मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में कोरोना के विरुद्ध जंग की रणनीति को धार दी गई। कुछ मंत्री प्रत्यक्ष रूप से तो अधिकतर वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े। सीएम ने मंत्रियों से सुझाव मांगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों में भय पैदा कर रही है। सरकार के पास कोरोना से लड़ाई के तमाम संसाधन मौजूद हैं। हमें उनका इस्तेमाल करते हुए लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत प्रदान करनी है। इस कार्य में सांसद और विधायकों के साथ ही पार्टी के लोग भी आगे बढ़कर काम करें। बढ़ती हुई बीमारी है, अब इसमें पेशेंट जब भी कभी उसको आवश्यकता पड़ती है अस्पताल में जाने के लिए, उसकी तबीयत खराब होती है, तो कभी कभी हमारी जितनी भी प्रेजेंट एम्बुलेंसेज हैं, चाहे सरकारी हैं, कई बार प्राइवेट भी उपलब्ध नहीं होती हैं, तो रोडवेज की जो हमारी मिनी बसेस खड़ी थी, हमने इनको कहा था कि इन मिनी बसेस को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित करें। तो आज 110 ऐसी मिनी बसेस, इनको एम्बुलेंस के रूप में, हर बस के अंदर 4 बेड होंगे और वहाँ डॉक्टर के बैठने की जगह होगी और दवाई रखने के लिए एक टेबल होगा, गैस सिलेंडर उसमें लगा होगा। तो ऐसी 110 बसेज जो हैं, ये सभी 5-5 बसें एम्बुलेंस के रूप में हर जिले में भेजी गई हैं, ताकि जो कोरोना के मरीज हैं उनको बहुत शीघ्रता से और अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सके। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।